साथियों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसी ऐसी चीज़ें जीवन में होती रहती हैं जिनको जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। देख रहा था, ये बाइक है, बाइक हम सभी ने चलाई होगी कहीं ना कहीं, और तब चलाई होगी और चलाते भी हैं, चलाते रहते हैं। सभी के घरों में बाइक और कार वगैरह होती है, लेकिन आज जो नए जो बदले हुए परिवेश में किसी चीज़ का कितना अच्छा यूज़ हो सकता है देख रहे हैं आप। पहले बाइक ख़राब हो जाती थी तो उसका यूज़ नहीं हो पाता होगा, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में, कबाड़ में जो है वो जाती होगी। और क्योंकि 15 साल 20 साल शायद लाइफ होती है RTO के हिसाब से, लेकिन अब जो है उसका भी सोल्यूशन लोगों ने निकाल लिया है अपनी आवश्यकता के हिसाब से। जब गाड़ी बनी थी क्या उसने सोचा होगा कि गाड़ी जो है मालगाड़ी का काम करेगी? ये देखिए, अनेक दुकानदार जो ऐसे हैं जो अपना लंबा जो है सामान जो है ना रखने के लिए सामान वो दुकान वगैरह जो है नहीं खोल सकते लाखों रुपए पगड़ी वगैरह लेकर, लेकिन आज इसका बहुत अच्छा उपयोग कर लिया है। लोग गलियों गलियों में निकल कर चले जाते हैं, और मैंने देखा है एक धनिया मिर्चा वाला हमारी गली में आता है, कम से कम इसमें जो है वो इस ट्रॉली में इस जगह पर कम से कम 50 तरीके के सामान वो रख लेता है इसमें, समझ रहे हैं? और देखिए, और इस तरीके से जो है आराम से खींचता रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है समय समय पर उसका जो है परिवर्तन करके एडजस्ट हो जाता है और मानव जीवन का बहुत लाभ देता है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए, आवश्यकता हुई तो पहले उस आदमी ने जिसने ये सोचा होगा कि कैसे ट्रॉली में कैसे गाड़ी, अब गाड़ी का जो है एक पहिया देखिए निकाल दिया गया, गाड़ी में दो पहिए होते हैं, एक पहिया निकाला होगा और ये देखिए ये इसे जोड़ा होगा, इसमें दिमाग लगा, ये देखिए ये सब दिमाग लगाया होगा, समझ। तो इस तरीके से जो है ना, देखिए बाकी जो है कहीं ना कहीं विज्ञान की खोजें जो है मानव जीवन को कभी काफ़ी लाभ दे रही हैं, और वो लोग जो ऐसा अपने हिसाब से एडजस्ट करके लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं उनको भी नमन। साथियों, मिलता हूँ फिर आपसे कुछ नया लेके इसी तरीके से।